छुट्टी मिली थी। बात करो मुझसे, बात करो। तुम कैसे हो ये जानते हुए भी मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने उस भरोसे को एक पल में तोड़ दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, बोलते क्यों नहीं? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? अब इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है बेटी, अब कोई फायदा नहीं होगा। चलो बेटी, चलो बेटी, चलो बेटी, चलो। एक न एक दिन ऐसा होगा पता था, लेकिन ये दिन इतनी जल्दी आएगा सोचा नहीं था। अब आगे से ऐसा कुछ ना हो इस बात का ख्याल रखना होगा। आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा। कल हमें जो काम सौंपा गया वो हमें करना ही होगा। कल वो काम खत्म होने के बाद मैं ये काम छोड़ दूंगा। Excuse me, welcome to India, sir. हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आपके पिताजी जब भी यहाँ आया करते थे, हम ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी अरेंज करते आ रहे हैं सर। आपका भी नाम हिटलिस्ट में होने के कारण हमने आपके लिए सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है सर। आप पर कभी भी हमला हो सकता है। क्या मुझ पर हमला? स्कूल में मेरा नाम रजिस्टर होने से पहले ही हिटलिस्ट बेस्ट कैंडिडेट की कैटेगरी में मेरा नाम आ गया। मेरे लिए सिक्योरिटी, इस बॉडी को टच करने वाला शख्स अब तक पैदा नहीं हुआ। मेरी हिफाजत के लिए तो जेम्स बॉन्ड ही चाहिए। ला सकते हो? ऐसा कोई बंदा है आपके डिपार्टमेंट में? यही है हमारे राज्य के सबसे बेस्ट ऑफिसर। ये लोग मेरी सिक्योरिटी के लायक नहीं है, फिर भी अगर आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं तो इसे दीजिए। आई हैव माई ओन सिक्योरिटी, लेट्स पार्टी। दिल अपने थाम लो, आई रे खलबली, मचाने खलबली, महफिल में खलबली, जल्बों से खलबली, हुस्न से खलबली, शोला ये बिजली, दिल अपने थाम लो। Hey!
चिंगारिया जो भड़की है तारा रुरु। सॉरी, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मर्दानगी शरीर से नहीं परखी जाती, दिमाग से परखी जाती है। एक रखवाले की आंखों में जुनून होना चाहिए, एक चोट मारे तो फौलाद भी चकनाचूर हो जाना चाहिए। हम खतरों से खेलने वाले लोग हैं, न जाने कितनी बार मौत को चकमा दे चुका हूँ। मुझे तुझ जैसे आदमी की तलाश थी। मेरे साथ काम करो, जो मांगोगे वो दूंगा। एक बार कुत्ते की सिक्योरिटी कर सकता हूँ, लेकिन खुद कुत्ते की तरह दुम हिलाकर किसी की गुलामी नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी सॉरी, तुझे क्या चाहिए बोल? दौलत? ये घर चाहिए? लड़कियां चाहिए? आसमान में उड़ने वाला प्लेन चाहिए? जन्नत की सैर करना चाहता है? क्या चाहिए बोल? चुटकी में मिल जाएगा, इस देश में कुछ नहीं रखा है। मेरे साथ चल,
लाइफ बना दूंगा। पैसे से जागीर खरीदी जा सकती है, ऐशोआराम खरीदा जा सकता है, हिंदुस्तान का स्वाभिमान, इस देश के अभिमान को आप कभी नहीं खरीद पाएंगे। हम पूरी दुनिया को पलट सकते हैं, इतने ताकतवर हैं हिंदुस्तानियों के हाथ। इसे खरीदने की बात भूल जाइए। इंसान को कभी ना कभी किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तब मुझे याद करना। दिस इज माई पर्सनल नंबर। कंडीशन चाहे कुछ भी हो, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, इस नंबर पर कॉल करना। मरते दम तक मेरा यह नंबर स्विच ऑफ नहीं होगा। अपर्णा, गीता कहाँ है? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? स्विट्जरलैंड। कितनी बार समझाऊं लड़कियों का फॉरेन जाना ठीक नहीं है। तो क्या तुम्हारे साथ रहना सेफ है? अंकल, आप समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, आप समझाइए ना इसे। हमें तुम्हारी कोई राय नहीं चाहिए। मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्लीज हमें चैन से जीने दो। मैं नहीं चाहती कि अब तुम्हारा उससे कोई भी रिश्ता हो। तुम इसके आगे हाथ क्यों जोड़ रही हो? चलो। मैं चलती हूँ पापा। संभल कर जाना बेटी। दिल छोटा मत करना, हम वहाँ परमानेंटली रहने के लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 5-6 दिनों की बात है। तब तक उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। और फिर भी अगर तुम्हें उससे बात करने का दिल करे तो मेरे नंबर पर फोन करना, इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट किया है। चलती हूँ। कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है ना, क्यों गीता? हंसो ना प्लीज, ऐसा कब तक सीरियल की एक्ट्रेस की तरह इतनी सीरियस रहोगी? हम इस वक्त इंडिया में नहीं है, स्विट्जरलैंड में है। गीता यहाँ आओ ना, एक फोटो लेती हूँ। हे, कैन आई हेल्प यू? यस प्लीज। अब तो हंसो ना गीता। आप लोग हिंदुस्तानी हैं? हाँ, तो? क्या बात है, इन अंग्रेजों के बीच जब मैंने आप दोनों को देखा तभी मैं समझ गया कि आप हिंदुस्तानी ही हैं। हाँ, आप लोग कुछ भी कहिए मैडम, हिंदुस्तानी लोग रियली ग्रेट होते हैं। दूध मांगो तो खीर देते हैं, और दिल मांगो तो जान दे देते हैं, और अगर कोई ज्यादा शाणा बनता है तो उसे लात दे देते हैं। गीता क्या सॉलिड बात कही ना। ए प्लीज प्लीज, एक और फोटो लोगे क्या? स्माइल प्लीज। मेरा नाम अरविंद है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और आप दोनों? मेरा नाम अपर्णा है और ये गीता है। यहाँ आप पहली बार आई हैं? हाँ। टैक्सी? आप टैक्सी से जा रही हैं? यहाँ टैक्सी का भाड़ा बहुत ही ज्यादा है, चलो शेयर करते हैं। ओके, मुझे ये लड़का सही लग रहा। चल ना यार, मेरा यहाँ आना जाना लगा रहता है, मेरे ज्यादातर क्लाइंट्स यहीं रहते हैं। यू नो समथिंग, स्विट्जरलैंड इज अ वंडरफुल प्लेस, यू विल लव इट। साथ में मैं कंपनी दूंगा ना, आप दोनों बहुत एंजॉय करेंगी। सही बोला ना गीता जी? अच्छा, आप दोनों यहाँ हॉलीडे मनाने के लिए आई हैं? नहीं, हम गिटार ऑडिशंस के लिए आए हैं। वाओ, गिटार ऑडिशन, सुपर्ब। गीता जी, मेरी खातिर एक बार गिटार बजाइए ना। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। गीता जी, ये नजारा आपके लिए है, ये तराना आपके लिए है। गीता, ओ मेरी गीता, क्यों तू ऐसे खफा खफा है, क्यों हो तुम गुमसुम? आजा मेरी बाहों में आजा, तू मेरी सांसों में समा जा, ओ मेरी गीता। गीता जी, कहते हैं प्यार की शुरुआत लड़ाई और झगड़े से होती है, अगर अचानक आपको मुझसे प्यार हो गया तो क्या करोगी? तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं डायरेक्ट हनीमून मनाऊंगी। और तुम? अपने हार्ट को हाथ में लेकर इसे अच्छी तरह से सहला वहला कर जिंदगी भर तुम्हारा नाम लेकर पागल खाने में रह जाऊंगा।
ओह, तो तुम दोनों यहाँ रहती हो? मुझे लगा कि होटल वोटल बुक किया होगा। नहीं तो हम यहीं रहेंगे, ये मेरे कजिन का घर है। ओके बाय। हे अरविंद, दोबारा कब मिलोगे? दोबारा मिलूंगा तो गीता को मुझसे प्यार हो जाएगा, बाद में मैं अपने आप को भी रोक नहीं सकता। आईने में शक्ल देखिए। अरे बहुत हैंडसम लगता हूँ। अपर्णा, यहाँ डे लाइफ से ज्यादा नाइट लाइफ बहुत जबरदस्त होती है। तुम दोनों चलोगी पार्टी में? वाओ, आई लव पार्टीज। यस, मैं भी आऊंगी और गीता भी आएगी। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। शाम 7 o'clock को मैं यहाँ आ जाऊंगा। ओके, तुम्हारे कजिन को भी साथ लेकर चलेंगे। अरे, वो लोग यहाँ नहीं है, दे हैव गॉन टू पेरिस। यहाँ सिर्फ मैं और गीता है, हम दोनों ही हैं, फ्री बर्ड्स, यू नो। ओके बाय। हे, गुड न्यूज, आज दो नई लड़कियां चाल में फंसी हैं। हाउस नंबर 3, चार्ल्स स्ट्रीट। वाओ, कितना मस्त है ना घर। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी भी अनजान आदमी के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई? ए, वो मेरा बॉयफ्रेंड है यार। उससे मिलकर 15 मिनट भी नहीं हुए और इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड बन गया? प्यार पहली नजर में होता है, लेकिन बच्चा होने में समय लगता है। तुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे नहीं चाहिए क्या? उस धोखेबाज के बारे में बात मत कर। ठीक है यार, गुस्सा मत कर। लेट्स डांस। बाथरूम कहाँ है? अरे बाथरूम कहाँ है? तेरा सिर। हेलो अंकल, गीता का फोन आया क्या? वो अनजान जगह पे गई है, इसलिए पूछ रहा था। अरे क्यों तुम बेकार में हमारे पीछे पड़े हो? कम से कम अब तो उसे चैन से जीने दो। देखो भगवान के लिए दोबारा फोन मत करना। हेलो, कितनी देर से फोन कर रहा था? ओह, मैंने अभी देखा। कहो, ठीक से पहुंच गई ना? हाँ पहुंच गए। इस वक्त कहाँ? हम इस वक्त कजिन के घर में हैं। वो सब पेरिस गए हुए हैं, उन्हें आने में 2-4 दिन लग जाएंगे। यहाँ का पता है बर्न सिटी, डोर नंबर 3, नाइटिंगम स्ट्रीट। इतना काफी है या और भी कुछ जानना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? आप मुझे इंटरोगेट करने के बजाय आपकी गर्लफ्रेंड आ रही है, उसे पटाने की कोशिश कीजिए। मैं फोन देती हूँ। किसका फोन है? किसका है? क्या है? अरे हेलो गीता। तुम गीता, क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान करते रहते हो? हाँ, तुम्हारा फोन है, पता होता तो मैं बात ही नहीं करती। गीता प्लीज, मेरी बात प्लीज, तुम मुझे भूल जाओ। गीता, मेरा कोई कसूर नहीं है। गीता ठीक है, मैं तुम्हें 1 मिनट की मोहलत देती हूँ, तुम्हें जो भी कहना है कहो। गीता वो यहाँ कोई आया है। कौन है? पता नहीं। अपर्णा को मार रहे हैं। हे भगवान, क्या हुआ? वो उसे बहुत मार रहे हैं। छोड़ दो मुझे, पोर्टल छोड़ दो मुझे। वो उसे उठा कर ले जा रहे हैं। अरे अब मैं क्या करूं? अपर्णा को लेकर चले गए वो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। क्या तुम उन्हें जानती हो? नहीं। हाँ, एक आदमी मिला था, अरविंद। अरविंद कौन है? वो वहीं का रहने वाला है क्या? पता नहीं, लेकिन लेकिन वो लड़का हिंदुस्तानी ही था। हिंदुस्तानी था? तुम्हारा एड्रेस कैसे मिला उसे? वो टैक्सी में हमारे साथ ही आया। हे भगवान, वो फिर से आ गए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत गीता, अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। कितने लोग हैं वो? 2 लोग हैं। तुम कहाँ हो? बालकनी में खड़ी हूँ। तुरंत बेडरूम में जाके बेड के नीचे छुप जाओ। हाँ ठीक है। मैं बेड के नीचे छुपी हूँ। अब जो कहने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें भी उठाकर ले जाएंगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 या 10 सेकंड बचे हैं। जब वो तुम्हें पकड़ लेंगे तो मोबाइल वहीं फेंक देना। उनकी हाइट, उनका रंग, उनके बदन पर कोई निशान या कुछ भी नजर आए तो चिल्लाकर जोर से बोल देना, वो लोग आ रहे हैं। उनके जूतों की आवाज सुनाई दे रही है।
Where's the other girl? I don't know. अरविंद को फोन करके पूछो। ओके। फोन को थोड़ा सा उनके पास लेकर जाओ, वो कुछ बात कर रहे हैं। hey, अरविंद, ग्रीन कलर ड्रेस की लड़की मिल गई, दूसरी कहाँ है? क्या? hey, वो बड़ी चालाक है, गारंटी वो वहाँ से भाग गई होगी। निकलो, तुम लोग निकलो वहाँ से। लगता है वो भाग गई होगी। चलो। वो लोग चले गए। तकरीबन 6 फीट लंबा है, बाल भी लंबे हैं, हाथ पर आधे चांद का टैटू बना है, छोड़ छोड़ मुझे, दुबला पतला है, दाढ़ी भी है, चेहरा गोल है, छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ दो। तू कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, अगर तूने उसे पैसों के लिए किडनैप किया है तो जान ले कि मेरे पास पैसे नहीं है। एक और बात जान ले, अगर तूने उस लड़की का एक बाल भी बांका किया ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सीधी तरह उसे छोड़ दे, वरना तेरी जान सलामत नहीं रहेगी। मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जा, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हर हाल में ढूंढ निकालूंगा, और वो तेरा आखिरी दिन होगा। कसम पैदा करने वाले की, ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह भी कांप जाएगी। गुड लक। किसने किडनैप किया है उसे? क्यों किडनैप किया है उसने मेरी बेटी को? क्या चाहिए उन्हें? बोलो, पैसा चाहिए उन्हें? कितना पैसा चाहिए उन्हें? बताओ, सच बताओ, तुम्हारे किसी दुश्मन ने तो उसे किडनैप नहीं किया ना? सुजान, इस किडनैप की वजह कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है, ये एक तरह का व्यापार है, ग्लोबल बिजनेस। ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है। इस घटिया बिजनेस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। सरकार की आंखों में धूल झोंक कर कितनी लड़कियों को सरेआम एक्सपोर्ट किया जा रहा था, अब सरकार थोड़ी इस बात को लेकर स्ट्रिक्ट हो गई है, इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी हद तक कम हो चुकी है। विदेशों में अकेली घूमने फिरने वाली इन लड़कियों को ये स्क्वैटर्स उन्हें आसानी से ट्रैप कर लेते हैं, उन्हें किडनैप कर लेते हैं, ड्रग्स देकर उन्हें प्रोस्टिट्यूट बना देते हैं, लाखों रुपए में उन्हें बेच देते हैं। इस धंधे में पाकिस्तानी, श्रीलंकाज, अरेबियंस, रशियंस और यहां तक कि इंडियंस भी शामिल हैं। इन लोगों के बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं। तुझे फोन करने वाले का नाम मार्को है, ही इज एन इंडियन, उस ग्रुप का हेड है। उनके हाथ पर जो आधे चांद का टैटू है वो उनके ग्रुप का सिंबल है। ग्रुप के काम करने का तरीका कुछ ऐसा है, पहले किडनैप की हुई लड़की को 5 दिन रखकर उसे ड्रग्स देते रहते हैं। वो कहाँ होगी? वो दुनिया के किस कोने में है ये उसे पता नहीं होता, बेचने वाले को भी पता नहीं होता, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हौसला रखो लक्ष्मी, हौसला रखो लक्ष्मी। आज रात की तो कोई भी फ्लाइट नहीं है, अब जो भी होगा कल ही होगा। उसे किडनैप हुए ऑलरेडी 4 घंटे हो चुके हैं, अब तुम कैसे जाओगे? हाँ बोल, क्या चाहिए तुझे?
आवाज किसी और की सुनाई दे रही है, लेकिन नजर कोई और आ रहा है। बेटा वो देख आ रही है स्वर्ग की अप्सरा। सुस्ती आ रही है ये बोलकर हम चाय पीने के लिए आए, और यहाँ ये लड़की फूर्ति का प्रदर्शन कर रही है। नमस्कार साहब। कहने के लिए सीसीबी ऑफिसर हो, लेकिन बातें गुंडे मवालियों जैसी करते हो। एक बार तू भी पलट कर देख, साले तेरी भी नियत फिर जाएगी। गुड मॉर्निंग मैडम, जॉगिंग हो रही है? मैं जॉगिंग नहीं कर रही हूँ, चोर को पकड़ने जा रही हूँ, पकड़ो उसे। अच्छा अभी पकड़ता हूँ। कितना माल है मैडम? जितना भी हो पकड़ो उसे। ऐसा रोक भाई, गलती होगी भाई, भाई हाथ जोड़ दो, मारो मत भाई, भाई मारो मत। आपका बॉयफ्रेंड लेके गया। अरे वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, चोर है। चोर है? अरे पकड़ो उसे। चोर 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 पकड़ो 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 उसे। अरे चोर भाई, अरे रुक जा यार, अरे रुक जा, पकड़ो उसे। अरे भाग रहा है, मेरा पर्स चुरा है, पकड़ो उसे। ये क्या, अक्सर फिल्मों में हीरो हीरोइन का पर्स चुराने वाले चोर को पकड़कर हीरो बनता है, और तू है कि हीरोइन का पर्स चुराकर खुद ही चोर बन गया। क्या यार, तू सच में पैसे निकाल रहा है? तुझे उससे प्यार हो गया क्या? तो फिर ये पर्स क्यों? मैडम कुरियर। कुरियर आया है? किसके नाम से है? गंगा केयर ऑफ गंगानगर, आपका प्यारा ईमानदार चोर, यहाँ एक साइन कीजिए। माँ मेरा बैग मिल गया, देखो ना माँ, खुद चोर ने कुरियर कर दिया। अच्छा सब कुछ है या नहीं चेक कर ले बेटी। है पापा, उसने कुछ भी नहीं लिया है। शायद वो किसी दूसरी दुनिया का चोर होगा। फोटो कहाँ गई? सो स्वीट, क्या हुआ? दो दियो, रुक जा, पैसे दो ना, ये ले दो। हाँ दो, और पैसे दो बेटी, और दो। काम चोरों की तरह घर में पड़ा रहता है, ऊपर से साल कॉलेज भी नहीं गया। ये थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल गया था क्या? वो साइंटिस्ट नहीं बना क्या? थू, तेरी तो हड्डी पसली तोड़ देनी चाहिए। एक ही लाइफ, एक देख रही है गीता कितना बिगड़ गया है ये। तूने बिगाड़ा है इसे। तू इससे हमेशा एक बड़ी बहन की तरह पेश नहीं आती, हमेशा एक माँ की तरह पेश आती है। जब ये पैसे मांगता है तू दे देती है, और तूने इसे बिगाड़ कर रख दिया है पूरी तरह। पैसे क्या है, जिम्मेदारी क्या है, कुछ भी नहीं पता इसे। पापा मैं गिटार क्लास जा रही हूँ, देर हो रही है। साहब एकदम पक्का खबर है, मुझे आज ही मालूम पड़ा, गांजा हेरोइन राजस्थान से भारी मात्रा में आ रहा है। उनका मेन टारगेट है कॉलेज स्टूडेंट्स, माल आते ही इन्फॉर्म कर दूंगा। और एक बात है साहब, आगे की खबर भी आपको देता रहूंगा साहब। फुलझड़ी ये क्या स्टाइल है तेरी, दिखने में तो शरीफ घर का लगता है, क्यों ऐसे फालतू के काम करता है? अब क्या करें यार, अपनी लाइफ की शुरुआत इसी काम से हुई थी, एक बार हाथ में तलवार क्या उठा ली, गले ही पड़ गई। वैसे अपन बुरा आदमी नहीं है, देखो ये नेता लोग बातों से काटते हैं, तुम जैसी लड़कियाँ लुक से काटती हैं, और मुझ जैसे शरीफ टपोरी लोग सिर्फ लोगों की जेब काटते हैं। हो गया क्या, चुराई हुई चीज को कुरियर करके लौटाया, इसीलिए ज्यादा हीरोगिरी मत करा। तो गलत सोच रही है यार, गरीब लड़की और फेंकी हुई आधी बिड़ी दोनों को अपन नहीं छूता। आहा, पर्स चुराना बड़ी बात नहीं है, लेडीज पर्स में सीक्रेट जिप कहाँ है ये जानना बड़ी बात है। इधर आ दिखाती हूँ। ओह कितना टॉप सीक्रेट बता दिया तूने गीता, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। रुको रुको मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। चोर चोर चोर, हेल्प हेल्प, चोर चोर। ओहो
आज पता चला कि लड़कियों की आवाज में कितनी दम होती है। आइए और बहनों, हाथ में चाहे कुछ भी ले लीजिए, लेकिन कानून को कभी अपने हाथ में मत लेना। ए, चल बे। अबे ये तेरी होने वाली भाभी है। आ, चल साले। आज फर्स्ट टाइम पुलिस सही वक्त पर आई है, मैं अभी कंप्लेन लिखाती हूँ, चलिए। आपकी कंप्लेन चाहिए मैडम, आइए। ए, चल, बहुत शाला बन रहा है। लेकर चलो इसे। अरे अरे पकड़ पकड़। गीता वहाँ देखो, तेरे पापा कैसे बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, और बच्चे भी कितनी मस्ती में क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ तू भी शादी करके उन्हें बेटा दे दे। ए, रहने दे, चुपचाप चल। क्या हुआ, किसका इंतजार कर रहे हैं आप? देखना बेटी, अभी तक तेरा भाई घर नहीं आया। बस इतनी सी बात है, वो अपने किसी फ्रेंड के घर गया होगा, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। ए शिवा, विष्णु कहाँ है? राजकुमार रोड, पांचवा मेन, सातवा क्रॉस, पूजा बार, गांधी स्टैचू, उसके बाजू में स्लम है, वहीं पर मिलेगा, जाओ। चलो। छी छी, तेरा भाई ऐसा गंदे स्लम एरिया में आता है। कौन है ये पटाखा? डायरेक्ट सिग्नल दे रही है यार। शायद वोल्टेज बहुत ही पावरफुल होगा, टेस्ट करें क्या? बेकार के लफड़े में पड़ना अच्छा है क्या भाई? ओए, जब साधु संत जैसे लोग लफड़े की परवाह नहीं करते तो हम तो टप हो रही है। ओए, चलो रे। चलो। अपना कौन है ये लोग? बस थोड़ी सी ढील दे दी, बकरे लोग पीछे ही पड़ गए। ए, अपनी हद में रहो। क्या हुआ, इशारा करके आप नखरा कर रहे हैं? रास्कल्स, हाथ लगाया तो सबको अंदर करवा दूंगी। आना, अपन का स्कूल है, जेल अपन का अड्डा है, हम नहीं डरते। आज आर्या पर होकर रहेगा। एक बार आजमा कर देख, तबीयत खुश कर दूंगा। ओफो, अपन्ना तूने ये क्या कर दिया, अब हमारा क्या होगा? गीता भागो। ए, चलो पकड़ उसको, पकड़ो पकड़ो। ए राका, ए शिवा, मेरा भाई, चलो। ए पकड़िया, हाथ उठा रहे। खंबे, हट रास्ते से। ले जाओ इसको। इधर आ साले। चुप है, मुंह क्या देख रहा है? अरे ये उन लोगों से भी वर्स्ट है। अबे कहां गई वो? इसके बारे में नहीं जानती। ए, 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 क्या कर रहा है? अरे ले जा रहा हूं। क्या कर रहा है? ले जा रहा हूं। अपन कौन है? ये चोर है। शक्ल से तो नहीं लगता, बहुत हैंडसम है। अरे परसों पुलिस के हाथों मैंने इसे पकड़वाया था, लगता है जेल तोड़कर भाग कर आ गया है। अब ये क्या करने वाला है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ करेगा, जगह भी ढूंढाएगी। तो सारे आइडिया तू ही देती जा। सर, हमारे साथ कुछ मत कीजिए सर, मेरे में कुछ खास बात नहीं है, इसमें भी नहीं है कुछ खास बात। अपना, चुप बैठ यार, प्लीज सर। अरे चुप करना यार। ए, ए, छोड़ मुझे। खुद को देखा है क्या, एकदम सांड की तरह है और उन टपोरियों से डरकर भाग रहा है। क्या हिम्मत नहीं है तुम्हें? ताकत खत्म हो गई है तुम्हारी? अगर है तो मारा उन्हें, अगर इसे ले जाना है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। ठीक है, ये हुई ना मर्दों वाली बात। चलो गीता, अब उछल खाते हैं। ए, बजाने की तैयारी करो। ए अपर्णा, ये तू क्या कर रही है? तू चुपचाप चल ना। ए यार, ये लोग तो इधर ही है। चलो। अबे रुको, चलो। कुत्ता बिल्ली सुअर से लड़ना बहुत आसान है। कभी तुम लोगों का इस शहर के किसी बब्बर शेर से पाला पड़ा है? बब्बर शेर से? हाँ, गंदी नाली के कीड़े। तुम लोग हमारी क्या इज्जत लूटोगे? हिम्मत है तो इस शेर को ढेर करके दिखाओ, मैं खुद ही तेरे पास आ जाऊंगी। ए, सुना क्या? अपना तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तू चुप बैठ, बोला ना। ए, मेरा दिमाग किसका रही है? ए, कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू, कौन है वो? 3 फुट की तलवार देखी होगी, 4 फुट की गन भी देखी होगी, लेकिन तुम लोगों ने कभी भी 6 फुट का आईडीएक्स बॉम्ब देखा है? तेरी जात का वो मजबूती में कुतुब मीनार है, जिसमें है फौलादी, अकड़ है नवाबी, मार है जवाबी। अगर हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ उसे। चल हट।
को सही सलामत घर पहुंचा देना। ठीक है साहब। तुम इसे लेकर नहीं जाओगे? लेकिन क्यों? ये जो खंबा है ना, वो दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन है। औरतों की इज्जत करता हूँ, रिश्तों को समझता हूँ, इंसानियत का फर्ज निभाता हूँ, समझी ना? यही खंबे का फंडा है। थैंक यू। तुझे प्यार हो गया क्या? ए, पर वो तो चोर है ना? तो क्या हुआ? देख यार, प्यार में लड़कियों को सताने में एक अलग ही मजा आता है, और तू है कि अपना प्रोफेशन ही चेंज करके बैठा है। अरे तू कौन है, तेरा क्या पेशा है, लड़की को बता दे, नहीं तो कल तुझे ही प्रॉब्लम हो सकती है। यार वो मुझे आम आदमी समझ के प्यार करती थी, मैं पुलिस वाला हूँ ये पता चलेगा ना तो बस डर कर भाग जाएगी। वैसे भी आज रात को तो हम मिलने ही वाले हैं ना, तो पता चल जाएगा कि उसके दिल में क्या है। ओके। क्या हुआ? बोलो नंकिता। वो क्या है कि मैं, हाँ बेहिचक कहो, वो शर्माओ मत, बिंदास कहो, वो घर, उस घर की बात कर रही हो? उस घर में एक पिंक कलर की चप्पल है। चप्पल है? मैं उसे खरीदना चाहती थी, लेकिन वो मोटी औरत, हमारी गिटार टीचर, उसने वो चप्पल खरीद ली। वो बहुत ही बुरी औरत है, मुझे वो चप्पल चाहिए। इस समय जाकर उन्हें डराकर डिस्टर्ब करके चप्पल मांगना ठीक लगेगा क्या? डिस्टर्ब करने वाले लोग चोर नहीं कहलाते। तुम चाहे चोरी करो, खून करो, मैं कुछ भी नहीं जानती। चाहे खून की नदियां बह जाएं, बस मुझे वो चप्पल कैसे भी ला कर दो। गीता गीता,
मैं तो तुम्हें एक शरीफ लड़की समझता था और तुम एक मामूली चप्पल के लिए खून की नदियां बहाने की बात कर रही हो। जाओ जल्दी जाओ। अभी चाहिए तुम्हें? हाँ अभी चाहिए। हे भगवान जल्दी जाओ ना। दरवाजा तो पहले से खुला है, ये लोग रात को दरवाजा बंद करके नहीं सोते क्या? तेरी चप्पल के चक्कर में फंस जाता मैं, पागल है क्या? Sunshine, give me just a sign. Forever, forever, you will be mine. Oh, my sunshine.
मेरा तो जन्म तेरे नाम रे। नमस्कार गुरु। सलाम भाई। क्या चाहिए? रोकड़ा पैसा है क्या? साला तू चिल्लर लोग को लेकर इधर आ गया खजूर। बेटा ये संडे बाजार में बिकने वाला दांत घसने का पाउडर नहीं है। चुटकी चुटकी भर पाउडर के लिए गड्डी गड्डी भी कम पड़ जाती है। जाकर गुटखा जर्दा वगैरह खाकर अपने नशे को पूरा कर ले। ए, बाहर फेंक रे सालों को। भाई मैं कुछ भी करूंगा, कहीं से भी पैसे लाकर दूंगा, लेकिन फिलहाल पैसे नहीं है भाई। इस बार थोड़ा सा दे दो ना भाई। मार उसको, मार, मार साले को। डर लग रहा है? मार उसको, पूरा पैकेट फ्री दूंगा। दुनिया में तुम दोनों का कोई लिंक नहीं है, खत्म कर दे। सोच मत, माँ कसम सॉलिड ऑफर है। ए विष्णु ऐसा मत कर यार, मेरी बात मान ले। चल यहाँ से चलते हैं विष्णु। यार मेरी बात मान ले, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारी जान का या नौटंकी करने आया हो क्या? पैसा भी नहीं है और दम भी नहीं है। निकलो दोनों, नहीं तो खोल दूंगा सालों को। ए विष्णु जाने देना यार, तो क्यों परेशान हो रहा है? एक ना एक दिन इसी हाथ से पिस्तौल चला कर दिखाऊंगा मैं। छोड़ना यार, जाने दे। उस कमीने को दिखाऊंगा कि मैं भी क्या चीज हूँ। अच्छा ठीक है, अब चल चल घर चलते हैं। बर्थडे के दिन सरप्राइज दूंगा कहकर घर लेकर आ गए मुझे। पहले ही बताते तो ढंग के कपड़े पहन कर आती। आओ इन कपड़ों में चलो ना। माँ खुश रहो, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो, जन्मदिन मुबारक हो। माँ ये गीता है। नमस्ते आंटी। खुश रहो, खुश रहो बेटी। तुम दोनों बातें करो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं माँ, तुम दोनों बातें करो, कॉफी मैं लेकर आता हूँ। आओ बेटी, आओ बेटी बैठो। आंटी आपका बेटा पैदाइशी मजाकिया है क्या? मेरी कोई औलाद नहीं है। तो फिर वो? मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 30 सालों से काम करती आ रही हूँ बेटी। वहां पर मैंने बहुत से बच्चों को जन्म लेते हुए देखा, उनमें से ये एक है। बाकी बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये लड़का हर साल अपने जन्मदिन पर ये मुझसे मिलने आता है। इसकी वजह क्या है पूछा तो उसने क्या कहा पता है? मेरे इस दुनिया में आते ही सबसे पहले मेरा चेहरा देखने वाली तुम हो, मुझे छूने वाली तुम हो, मुझे अपने सीने से लगाने वाली भी तुम ही हो। मेरी नजर में मेरे माता पिता की जो अहमियत है वही तुम्हारी है, ऐसा कहता है। ऐसी औलाद को पाना बहुत ही खुशनसीबी की बात है, लेकिन बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया। ऐसा बेटा जब भी माँ करके पुकारता है ना, तब ऐसी कितनी माएं जो बे औलाद हैं, उन्हें माँ बोलने से कितनी खुशी मिलती है। माँ करो, तब तक मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। हाँ ए इडियट, तुम्हें किसने कहा था मेरा पर्स चुराने के लिए? किसने कहा था बताओ ना तुम्हें? तुम्हें अरे अरे, अरे ये क्या कर रही हो, मेरी जान लोगी क्या? गीता ये सब तुझे चाहिए था क्या? अक्ल है क्या तुझे? रोड पर जाने वाले एक अनजान आदमी को पकड़कर पुलिस के हवाले करने के अलावा उससे प्यार भी कर बैठी ना? अब किया है तो तू ही भुगत। यही चाहिए था ना तुझे, यही चाहिए था? क्या हुआ गीता, अकेले में बड़बड़ा क्यों? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या? बोलो ना क्या बात है, घर जाना है क्या? ए
उड़कर घर जाओगी। अरे मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हें कितनी अच्छी लड़की मिली है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरी जिंदगी बर्बाद होगी तो भी चलेगा, मैं तुम्हारे साथ संसार बसाने के लिए तैयार हूँ। ए ऊपर से तुम सोच रहे हो, तुम्हें ना छह इतनी अच्छी लड़की तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है और तुम हो के फिर भी सोच रहे हो। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। मुझे कभी ढूंढने आओगे ना तब तुम्हें मैं बताऊंगी, देखना। आओ फिर दिखाऊंगी तुम्हें। गीता, आओ, गीता, आओ ना। गीता, ए गीता। बेड के नीचे छुपी हूँ। Excuse me, sir. Yeah. Can I use your laptop for a minute? It's very important. Okay. Thanks. Pretty girl, are you an Indian? Yes. Oh, I'm Arvind. And you? I'm Payal. Oh, आपकी बोली जैसे कोयल, आपकी स्माइल से हम हो जाते हैं घायल. First time in Swiss? Yes. Okay. I keep coming here often to meet my clients. I'm a software engineer. You know, Switzerland is a wonderful place. You will love it. Hey, taxi. Are you going to the city? Yeah. Taxi is a very expensive here. Shall we share it? Okay. Are you here for a holiday? No, I have come here for studies. आइए, अंदर आइए. परसों तुमने दो इंडियन लड़कियों को किडनैप किया था, बोल कहाँ है वो? मुझे नहीं पता.
जंगल छोड़ के यहाँ कैसे आ गया? मानना पड़ेगा वही अकड़ वही जज्बा तुमने अब तक मेंटेन करके रखा है। बात क्या है? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो गिटार का ऑडिशन देने के लिए अपनी सहेली के साथ आई थी। दोनों का किडनैप हो चुका है। बदकिस्मती से उस गैंग में कुछ इंडियन भी शामिल है और गैंग लीडर का नाम मार्को है। तुम्हें कैसे पता चला? मेरी बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें क्या पता है। तकरीबन 5 साल पहले काम की तलाश में आए लोगों ने यह धंधा शुरू किया था। तब सिर्फ 50 से 60 लोग इस धंधे में थे, लेकिन अब हजारों लोग इन्वॉल्व हैं। उन्हीं में से अलग अलग बहुत से गैंग भी हैं। उन लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। डेथ सर्टिफिकेट तैयार है, सिर्फ साइन करना बाकी है। ज़्यादा उतावले मत बनो, यहाँ की पुलिस से मदद लो। बहुत सारे इंडियंस हमारे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मेरे पास ना तो इतना टाइम है और ना पेशेंस, ना कोई और रास्ता। पहले ये पता लगाना होगा कि उन लड़कियों पे किसकी नजर पड़ी थी, और जब तक उसका नाम पता नहीं चलता हम कुछ नहीं कर सकते। उसका नाम अरविंद है और उसे मरे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। क्या अपनी मर्जी से किसी को भी मार कर घूमने के लिए? ये इंडिया नहीं स्विट्जरलैंड है। कीड़े कीड़े की तरह कुचल के रख देंगे तुझे। मौत की सवारी करने वाली चिंगारी हूँ मैं। अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो उस गैंग को मिटा कर रख दूंगा। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? एक दोस्त समझ के बात कर रहा हूँ। दोस्त यहाँ का एक पुलिस ऑफिसर है, ये मत भूलना तुम। अभी वो मुझे कहाँ मिलेंगे? संभल कर धनुष, वरना बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। हेलो, call for a translator and that's me. Hindi samajh mein aati hai? Hmm. Chalo.
I can translate Swiss to Marathi, Swiss to Hindi, Swiss to English and to any other Indian languages. But I'm not an Indian. आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैंने अब तक इंडिया को सिर्फ मैप में ही देखा है। मैं किसी भी तरह आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन अपने आप को बेच नहीं सकती। My charges are 50 francs per hour. Tell me your problem. ऐसे हादसे तो होते रहते हैं। What's your plan? Hey, darling. You look hot. Hey, your place or my place? Try me. Let's go home. Hey, Macha. Come to me, darling. How much? 200 francs, only for you. For night? No, only 1 hour. Oh, no. 100 francs for night. Wow. Pretty girl. कोई क्लू मिला क्या? वैसे तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अब इन सब लोगों के सामने मैं तुमसे क्या बात करूं? मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, बाकी बातें बाद में करेंगे। You bitch. Mando, there's a new girl in the place. She is taking my customer. Hey, bitch! Who are you? This is my place. Hey, hey, leave her! Don't touch me. It's okay. Take my girls. Okay. Not this one. No girls. Hey! Pay me 100 francs. You are spoiling my business. Yeah. One second. Hey! It's 300, man. You're wasting my time. Get lost. Girls, get back to work. What's up, bro? Wait, Indian? Yeah. 200 francs. Okay, let's see. Let's talk about that. Guys, we can get some Russian Indian stuff. American there. What you doing? Oh no!
Who gave you this jacket? Who gave you this jacket? Tell me. Tell me. Who gave you this jacket? Tell me. रेस्ट कर लो, मैं कल सुबह मिलती हूँ। आओ फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ए गीता, डायलॉग। तेजी से आने वाली ट्रेन को रोकने के लिए लाल झंडा होता है, लेकिन तुम्हारी भावना से भरी हुई प्यार की ट्रेन को रोकने के लिए कौन सा झंडा होता है, बताओ। बोलो गीता। तुम्हारे इस डायलॉग से मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, कुछ अच्छा बोलो ना। चलो डायलॉग छोड़ो, कोई कविता सुना दो। कविता? लो अभी बोलता हूँ। पहाड़ी पे अपना अड्डा है, चट्टान पे अपना नाम है, छोटी सी दुनिया है, कोई पूछने वाला नहीं, अपने दिल के राजा है। आगे कदम बढ़ाएंगे, नए लड़ाएंगे, वक्त मिला तो बच्चों की फौज बनाएंगे। ये कैसा लगा? ऐसे मत थूको गीता, तुम्हारी नफरत में भी प्यार भरा हुआ है। प्यार में 440 वोल्ट का बुखार है, बुखार का असर बेशुमार है, बीमार रहता है दिल, शायद इसी का नाम प्यार है। ये क्या भैया, आप इसे कविता सुना रहे हैं या अपना गला फाड़ रहे हैं? पटाने के बजाय दिमाग की दही करके खुजाने जैसा काम कर रहे हैं। भैया कोई लेटेस्ट गाना ट्राई करो ना। ये बात है। ये मेरा भाई विष्णु है, मेरी जान है ये। विष्णु ये है। जानता हूँ। ओहो, वो थोड़ा ऐसा ही है। तुम आओ। सर, गुड मॉर्निंग। परसों यहाँ राजस्थान से हथियार आए थे, इस सिलसिले में कुछ लोगों को पकड़ा गया था, उनसे कुछ पूछताछ की? नहीं सर। तो किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से पता लगाइए। यस सर। और मुझे तुरंत इन्फॉर्म कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है सर। और ये काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ओके सर। ए इधर देख। मिस्टर महेश। यस सर। कौन है वो लड़के? कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, गांजा के केस में पकड़ा। गांजा? हाँ सर। पक्का गांजा ही है या कोई मिस्टेक हुई है? नहीं सर, पक्का गांजा है। केस फाइल किया? नो सर, बस 10 मिनट रिमांड पर लिया था, अब FIR केस दर्ज करूंगा सर। रहने दो, सिर्फ ऑन करके छोड़ दो, अच्छे लड़के, जानबूझ के नहीं किया होगा। ठीक है सर। शिंदे सर, उन दोनों लड़कों को छोड़ दो। ओके सर। पहन और फूट ले यहाँ से। तेरा नसीब अच्छा है बेटा कि हमारे साहब को तुझ पे तरस आ गया, वरना अंदर बंद करके इतने डंडे लगाता कि तू सुधर जाता। चल अभी जा यहां से। ए तू भी चल ले। पीछे बैठो। Thank you.
माता पिता भाई बहन अपने लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम कहाँ थे, किस लिए गए थे, ये बात तुम्हारे घर वालों को बता दूं? बोलो बता दूं? ए, खुद को क्या समझता है तू? बहुत बोले जा रहा है हाँ? तू बोल क्या रहा है? मैं सिर्फ नशा करता हूँ और तू साला एक नंबर का चोर है। मेरी बहन का चमचा है मैं जानता हूँ, तेरी जितनी औकात है ना उतना ही पैर फैला तू। मेरी बहन किसी से भी बातें छुपा सकती है लेकिन मुझे वो हर एक बात बताती है। तेरा फटीचर बायोडाटा बताओ क्या मैं? एक नंबर का जेब कतरा है तू, लाइन मार्केट ड्रॉप करके चुपचाप वट लेना चाहिए। उसके बजाय फालतू में धमकाएगा ड्रामा करेगा तो तेरी नानी याद दिला दूंगा। अबे तुझ जैसे आदमी को यहाँ खड़ा करते उसका शुक्र मान, चल निकल यहाँ से। तू मुझे मारता है हाँ? रुक अभी बताता हूँ तुझे। छोड़ मुझे, छोड़ बोला, छोड़ मेरा हाथ, छोड़। विष्णु दीदी, विष्णु क्या दीदी? हुआ हा? देखो ना दीदी, इसने मुझे कैसे मारा। थोड़ा बच गया नहीं तो मेरी आग चली जाती। प्यार प्यार करके इस लोफर के पीछे पड़कर अपनी जिंदगी खराब मत करो दीदी। मेरा दोस्त थाने में बंद है करके उसे मैं देखने के लिए गया तो ये उस बात का फायदा उठाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। विष्णु चुप हो जाओ, घर के सामने अच्छा नहीं लग रहा है। फैसला करना होगा, तुम्हें ये भाई चाहिए या ये आदमी चाहिए, नहीं तो शादी के दिन तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगी। दीदी दीदी मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं भी देखता हूँ दीदी, मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। तूने मुझे हाथ उठाया ना, देखो अंदर चलो। मैं तुम्हें दिलासा दूं या अपने लिए अफसोस करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। देखो गीता, सच्चाई जानकर तुम पर क्या बीतेगी ये सोचकर मैं चुप रहा, लेकिन अब तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। तुम्हारा भाई क्या गुल खिला रहा है, किस चीज की लत लगाकर बैठा है जानती हो? और वो नशे का आदी हो गया। Shut up, shut up, shut up. क्या जानते हो तुम मेरे भाई के बारे में? एक शब्द ही मत बोलना। मैं एक चोर से प्यार करती हूँ कहने पर उसने एक बात भी नहीं कही, पता है? उस दिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर गई थी, उस दिन भी उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा। क्यों? बोलो, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। सुनो, अगर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए ना तो संत लोग भी शैतान बन जाते हैं। पता है, मजाक से भी मैंने उसे कभी थप्पड़ तक नहीं मारा और तुम उसके साथ जानवरों की तरह पेश आए। अपने भाई के लिए मैं अपनी जिंदगी ही नहीं अपना प्यार भी कुर्बान कर सकती हूँ। मेरा भाई कभी गुनाह के दलदल में जा ही नहीं सकता। देखना, तुम खुद ही उससे माफ़ी मांगोगे और उसे मना कर घर ले आओगे। जाते जाते एक और बात कहना चाहूंगी, तुम मेरी जिंदगी में अभी अभी आए हो लेकिन अपने भाई को बचपन से मैंने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है। मेरा प्यार, शादी और जिंदगी सब उसी के हाथ में है। अगर उसने एक बार भी मना किया ना तो 100 जन्मों तक भी हम दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, एक नहीं हो पाएंगे, एक नहीं हो पाएंगे, एक नहीं हो पाएंगे, हो पाएंगे। गीता, गीता, बोलो। साहब, एक पक्की खबर है, राजस्थान से गांजा और हथियार कौन लाया है और वो कहाँ है इसका पता चल गया है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दीदी, विष्णु भैया और मनु भैया झगड़ा करके उस बिल्डिंग के पास चले गए। कौन सी बिल्डिंग में? वो तालाब के पास बन रही है ना, वो बिल्डिंग। हे विष्णु, तू यहाँ फिर क्यों आ गया? समझने की कोशिश कर यार, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं उस साले को नहीं छोड़ूंगा, मैं क्या चीज हूँ उसे दिखाकर रहूंगा। मैं नामर्द हूँ क्या? मुझ में हिम्मत नहीं है क्या? उसने क्या सोचकर मुझ पर हाथ उठाया था? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तू घर चलते हैं। ए, तू बीच में मत पड़, मैं बोल रहा हूँ ना तुझे। विष्णु मेरी बात सुन। उसने मुझ पर हाथ उठाया, मैं उसे छोड़ूंगा क्या? मैं नहीं छोड़ने वाला उसे। विष्णु मेरी बात सुन। जान से मार दूंगा। देख, मैं उसके साथ क्या करता हूँ, तू बस देखता जा। ए, तू बीच में मत आ। विष्णु, तू गलत कर रहा है, मेरी बात सुन बस। विष्णु, भाई मुझे गन चाहिए, गन। हिम्मत आ जाएगी तो आ जाना बोला था ना, मैं आ गया। हाथ देखो कितना कड़क हो गया है। अभी वक्त है, चुपचाप चल यहाँ से। भाई अपन पर भरोसा नहीं है क्या? गन देकर बोलो, इसको मारना है, इसको मारना है या इसको मारना है। तेरे बदन में आधा किलो मांस नहीं है और मुझे मारने चला है। ए, चल। खजूर, बकवास बंद कर। क्या रे बेटे, अभी तेरे दूध के दांत टूटे भी नहीं और तुझे घोड़े की जरूरत भी पड़ गई। दे दो भाई, उस साले ने मुझ पर हाथ उठाया है, मुझे एक मौका दे दो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ठोक दूंगा मैं उसको।
ठीक है, चल। मेरी बात सुनो, मैंने कुछ गीता विष्णु विष्णु डायरेक्ट मिलने को कहा था ना, मैं तुम्हारे पास में ही हूँ, बोलो। That's no signal, it's difficult to trace. यहाँ आ जाओ, आराम से बात करेंगे। तुम मुझे यहाँ से साफ दिखाई दे रहे हो। अपने आसपास जॉगिंग करने वालों को रोकने के लिए कहो, वो सब पुलिस वाले हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। Stop. Is someone nearby? Go. Go quickly, alert the team. Quick. ज्यादा दिमाग दौड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। ये देश भी बड़ा है और यहाँ के धंधे भी। अपनी मनमानी करके आजादी से घूमने के लिए ये इंडिया नहीं है। मुगलों के इतना कुचलने के बाद भी हस्ती नहीं मिटी। अंग्रेजों ने राज किया फिर भी डटे रहे। शांति में बुद्ध और युद्ध में महाभारत है। दुनिया पे अपनी छाप छोड़ देने वाला देश है हमारा। इससे ज्यादा कुछ बताने की मैं जरूरत नहीं समझता। यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है पता है तुम्हें? तुमने यहाँ का पूरा माहौल बिगाड़ दिया है। तुम भी इसमें शामिल हो क्या? अपनी बकवास बंद कर। तुझे अरेस्ट करने का ऑर्डर मिला है। मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। मैंने तेरे लिए फर्स्ट क्लास का टिकट बुक करके अपने पास रखा है। जितने जल्दी हो सके यहाँ से चला जा। और वो लड़की? उसे ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है। पहले तू यहाँ से चला जा। डर लग रहा है क्या? जिंदगी में डर नाम की चीज मैंने दूसरों की आंखों में ही देखी है। हनुमान की पूंछ में आग लगाने से पूरी लंका भस्म हो गई थी। तुम्हारा सामना राम से नहीं हो रहा है, परशुराम से हो रहा है। पीछे हटने का तो
सवाल ही नहीं है। सॉरी माय फ्रेंड, अब तुम्हें अरेस्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। डिड यू फाइंड हिम? नो। देन वेयर इज ही? आई डोंट नो। फ्रेंड ने तुम्हें धोखा दिया। शाहजहां ने ताजमहल प्यार की खातिर बनाया। जब मुझे ये पता चला तब मुझे लगा कि वो पागल था। मेरी माँ हमेशा एक बात कहा करती थी, प्यार के मामले में चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी देश हो, इंडियन का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आज मैं एक सच्चे लवर को देख रही हूँ। यहाँ के लोगों के लिए प्यार का मतलब कुछ अलग ही है। तुम जैसे इंडियन को देखकर सीखना चाहिए, खास करके तुम्हें देखकर सीखना चाहिए। यू आर रियली ग्रेट। तुम्हें देखकर ही पता चलता है इंडिया में रहने वाला हर एक लड़का अपने प्यार के लिए हजारों बार मरने के लिए तैयार रहता होगा। हर एक लड़की हमेशा यही चाहेगी कि उसे तुम जैसे ही प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर मिले। तुम्हें देख के मुझे जेलस फील होता है। हेलो बेटा, मैं गीता का पापा बोल रहा हूँ। मेरे बेटे की मौत कैसे हुई ये अभी मुझे पता चला बेटा। हमने तुझे बुरा भला कहा, हमें माफ कर देना बेटा। भगवान के लिए मेरी बेटी को अपने साथ लेकर आना बेटा। और क्या हो गया, अपनों से दूर हूँ कोई ना मेरा। राहों में भटकूं बन के बन जा रहा है, मुश्किल अब तो पास उनके जाना। किसकी खता ना ये पता, लम्हा है तू तन्हा हूँ मैं। ओ साथी रे, ये दर्द सहना जाएगा, हर लम्हा मैं तड़पूं। यादें यादें तेरी कैसे भूलूं, तुझको अब मैं यारा कैसे भूलूं। उन रस्मों को उन वादों को कैसे भूलूं, जो संग बिताए थे लम्हे कैसे भूलूं। अच्छा तो कल मिलते हैं। डोंट वरी,
तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। Get up, get up, get up, get up, hey, get up, get up. Who gave you this jacket? Who gave you this jacket? Huh? कहाँ मिली? कहाँ मिली वो? हाँ? हेलो? कहाँ मिली वो? हाँ हाँ हाँ? इंडियन कैफे। घटना 10,000 फ्रैंक्स इंडियन करेंसी के हिसाब से तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। आपकी बार 5,000 फ्रैंक्स ले लो, बहुत है। अगली बार थोड़ा बढ़ा कर देना। ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? हाँ, एक बात बताना भूल गया। मुझे यहाँ लाकर जिसने धोखा दिया ना, वो जाते समय कुछ लिख कर दे गया था, शायद स्विस भाषा में। गुड लक, गुड लक, गुड लक। कुछ दिन पहले फोन पर हमारी बात हुई थी, याद है ना? चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हर हाल में ढूंढ निकालूंगा और वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ऐसी मौत दूंगा कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। कहा था ना मैंने तुझसे। ये लड़की कहाँ है?
After all, एक मामूली सी लड़की के लिए तुम मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो? इस पूरी दुनिया में औरत को देवी का दर्जा देने वाला देश तुझे दूसरा नहीं मिलेगा। तेरी नजर में वो मामूली लड़की होगी, लेकिन वो मेरी जिंदगी है। जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन उसके बिना यहां से नहीं जाऊंगा। बोल, कहाँ है वो? वो वर्जिन है, और ऐसी लड़कियों को हम अपने पास नहीं रखते, उन्हें बेच देते। किसको बेचा? उसका नाम बॉबी है। कहाँ मिलेगा वो? प्रेसिडेंट पैलेस। अब मुझे तो छोड़ दो। मैंने कहा था ना, जिस दिन तू मुझे मिलेगा तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। Get ready for the battle. Just guess who's back. This is Swagger. All the city gonna blow. Chingare! 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 Yeah! Bobby? What? Bobby. No Bobby. Okay. There he is. तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूं। Excuse me, sir. Can I help you with anything? Champagne for you, sir. Five thousand francs. 10,000. 15,000. 15,000 francs. 15,000. The girl is sold. The next one is a blonde from Russia. Speaks Russian and English. Starts from 5,000 francs. Champagne, sir. 5,000 francs. May I serve you, sir? Yes. 10,000. 10,000 francs. 10,000. The girl is sold. خفي على رشيد الحمد لله شكرا. Last but not the least, clients, we have the best one for the evening. Certified pure. Some more. Speaks English and Hindi. Hey, what the f***? Get out. Starts from 10,000 francs. Whoa.
now. Hey, 10,000. I said get out. 10,000 francs. Buy her. I'm telling you, you're making a mistake. Buy her. 15,000 francs. 20,000. 25,000. 25,000. 30,000. 35,000. I'm telling you, you're making a mistake. 35,000 francs. 40,000. 45,000. 50,000. 50,000 francs. 50,000 francs. The girl is sold. You can collect your purchases directly. Thank you. We appreciate your business. Why are you risking your life? She is my love. Love? I'm in love too. Give her to me. I wish I could. I'll pay you. This is a business. Very unique business. In this, you have no refund, no returns, no discounts, and no buybacks. All sales are final. Kill him quietly. मैंने तुझे पहले बोला था कि चुपचाप यहाँ से चला जा। I'm sorry, my friend. Friend? जब तुझसे मिला था उसी दिन समझ गया था कि तू भी इन्हीं लोगों में से एक है। वैसे तुझे पहले ही खत्म करना चाहिए था। She's on the helipad. She'll be leaving in 10 minutes. Please don't shoot me. Come on, let's go. Thank you.